ब्रिटेन की अदालत से भगोड़े विजय माल्या को जबरदस्त झटका मिला है। ब्रिटेन की अदालत ने भगोड़े शराब कारोबारी विजय माल्या की 6 लग्जरी गाड़ी बेचने के आदेश दिए। अदालत ने कहा है कि कारों की बिक्री से जो भी रकम मिलेगी वो भारतीय बैंकों को चुकाई जाएगी। कोर्ट ने कारों की मिनिमम वैल्यू सिर्फ 4 करोड़ रुपए आंकी है। हालांकि माल्या पर भारतीय बैंकों के करीब 10,000 करोड़ रुपए बकाए। इस हिसाब से ये रकम कोई ज्यादा नहीं है, लेकिन अदालत के इस फैसले से विजय माल्या को झटका जरूर लगा होगा। यूके की अदालत ने भगोड़े विजय माल्या की जिन कारों की बिक्री के आदेश दिए हैं उनमें से 4 पर्सनल नंबर प्लेट वाली कारें हैं। इनके नंबर के साथ माल्या का नाम VJM लिखा हुआ है। बता दें कि विजय माल्या ने बेंगलुरु ऋण वसूली प्राधिकरण के फैसले के यूके की कोर्ट में रजिस्ट्रेशन को चुनौती दी थी और इसी केस में विजय माल्या की हार हुई है। बेंगलुरु ऋण वसूली प्राधिकरण ने फैसला दिया था कि माल्या पर बैंकों का बकाया है और उसकी वसूली होनी चाहिए। इस पर यूके की अदालत ने भारतीय एजेंसियों की रिक्वेस्ट के बाद लंदन की रिकवरी का केस शुरू किया और विजय माल्या के 2 घरों में तलाशी ली और उसके सामान को कब्जे में लेने के आदेश दिए। बता दें कि विजय माल्या इन दिनों लंदन में है और वहीं की एक स्पेशल कोर्ट में उन पर मामला चल रहा है। लंदन स्थित वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट कोर्ट में माल्या के खिलाफ मामला चल रहा है। ये मामला प्रवर्तन निदेशालय और आयकर विभाग ने दर्ज कराया है। माल्या पर कई बैंकों को 9,000 करोड़ का कर्ज नहीं लौटाने का आरोप। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो आप भारत तक को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही लाइक कीजिए हमारे वीडियोस और शेयर कीजिए।